नमस्कार, मैं हूं अमित खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। लोकतंत्र को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव क्या होते हैं और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से आज हम बात करेंगे मैडम शीतल नंदा से, जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज़ टुडे में। थैंक यू मैम। पहली बार डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये होते क्या हैं? जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक पूरा एक ढांचा जिसमें डिस्क्राइब्ड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, जिसको हम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसके मुताबिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के तीन टेयर होने हैं। पहला पंचायत, जो गांव के लेवल पे है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक लेवल पे है, कुछ पंचायतों के ऊपर एक ब्लॉक, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। आइडिया ये है कि नीचे से प्लानिंग शुरू हो और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आके पूरे डिस्ट्रिक्ट, जो एक हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेसिक यूनिट जिस पे सारा काम चलता है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग को इंश्योर करने के लिए ये तीन टीयर्स एनवेसाज्ड हैं, जो कि इस बार पहली बार जेएनके में बनने जा रहा है। मैम, ये किस तरह से काम करेंगे और क्या पावर्स रहेंगी इनकी? जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें तीन तरह के मेंबर्स होंगे। एक जो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जिनके लिए अभी इलेक्शंस शुरू हो गए हैं और जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर एंड तक ख़त्म होंगे। दूसरा जो उसमें मेंबर्स होंगे, वो होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो ऑलरेडी चेयरपर्सन्स हैं, वो उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। और तीसरे जो मेंबर्स उसमें रहेंगे, वो एमएलएज होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में एमएलएज होंगे, दे विल आल्सो बी मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये तीनों एक तरह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो उसको लेके आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और फाइनली लोगों की डिमांड के मुताबिक वहाँ की प्लानिंग और स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसमें रिजर्वेशन है फॉर एससीज, एसटीज एंड वुमेन, वुमेन 33% जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, और एससी एसटी एज पर पॉपुलेशन। मैम, इससे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप कैसे बदलेगा? देखें, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ जिस जिस काम की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पैसा लगाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट को फर्दर पुश देने की ज़रूरत है, उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए जैसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मैं दफ्तर में बैठ के डिसाइड करूँ कि आज वहाँ एक बिल्डिंग बनानी है या रोड बनानी है, ऐसा नहीं। तो यही चेंज इससे आने की हमें उम्मीद है कि जब पंचायतें जो डिसाइड करेंगी कि हम ये करना चाहते हैं, वो कंसोलिडेट होके ब्लॉक लेवल पे पहुंचेगा, और फाइनली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, वो इसके ऊपर सारा डिसीजन लेके एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाएगी कि कहाँ क्या किस एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट होनी है, कैसे होना है, क्या एक्टिविटी लोगों के काम की है, क्या लोगों की छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो पूरी की जानी चाहिए, जो मिस हो रही हैं मे बी सालों से। सो द आइडिया इज़ कि लोगों का जो ज़रूरियात है लोगों की, वो ऊपर तक प्रोजेक्ट हो और उसके बेसिस पे ही सारा काम किया जाए। मैम, एक आशंका जताई जा रही है कि इससे डीसी की पावर्स कुछ कम हो जाएंगी, इसमें कितनी सच्चाई है? डीसी की पावर्स, आई डोंट नो, क्या हमारा उससे क्या मंशा है कि डीसी की पावर्स, डीसी इज सिटिंग इन अ डिस्ट्रिक्ट टू वर्क फॉर पीपल, और उन्हीं के लिए काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्हीं का काम वो करते हैं, उन्हीं के लिए वो भी प्लानिंग करते हैं। तो कम होने की बजाय मेरे को तो ऐसा है कि उससे इनकी और असिस्टेंस होगी, उनको और सपोर्ट मिलेगी, दे विल बी एबल टू वर्क बेटर, दे विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जो क्योंकि एक इंसान जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट की, वो सब जगह तो नहीं जा सकता, बट जब सब जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स आके उनको बताएंगे कि क्या करना है, दे विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर। तो क्या एमएलएस की पावर पर भी कोई असर पड़ेगा इसका? नहीं, एमएलएस तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं,
उनकी पावर्स अपनी है, दे आर अ लॉ मेकिंग बॉडी जिन्होंने पूरे स्टेट के लिए डिसीजन लेना है, तो उनका और इनका तो आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं. बट देन लाइक आई सेड, वो मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के और वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. दे विल बी अ चेक ऑल्सो कि जो डी डी सी के डायरेक्टली इलेक्टेड मेम्बर्स हैं या बी डी सी के चेयरपर्सन हैं जो उसमें आए हुए हैं वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं. सो दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन द डी डी सी कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेम्बर्स भी हैं, बी डी सी के चेयरपर्सन भी हैं और एम एल एज भी हैं. सो दे विल ऑल बी वर्किंग टुगेदर एंड इंश्योरिंग कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है. तो मैम क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा विच इज़ वी कॉल इट द कैपेक्स बजट हमारे पार्लेंस में, वो जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है वो इन्हीं के थ्रू बनेगा ना. तो जो फंडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए जानी है वो इनके थ्रू जाएगी. इट इज़ नॉट, ये कोई स्कीम नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ स्कीम जिसके लिए अलग से फंडिंग दी जाएगी या अलग से जिसका. बट देन द आइडिया इज़ कि जितनी भी फंडिंग डिस्ट्रिक्ट में जानी है वो इनके थ्रू जाएगी और यही उसकी प्लानिंग करेंगे. तो मैम कुल कितनी सीट्स हैं डीडीसी की जम्मू कश्मीर में? 14 पर डिस्ट्रिक्ट हैं तो 280 टोटल. ओके, 20 डिस्ट्रिक्ट्स की 280. ओके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट्स हैं. तो मैम इलेक्शन की क्या इस वक्त तैयारी है और लोगों में कितना इसका रिस्पॉन्स आपका डिपार्टमेंट देख रहा है? इलेक्शन की तैयारी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं, लेकिन हमारे तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट थी या रूल्स वो सब हो चुका है और दो फेजेस की तो नॉमिनेशंस भी आ चुकी हैं अभी तक. सो द रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड और न्यूज़ में तो हम सारे सुन ही रहे हैं कि एक्स मिनिस्टर्स, MLAs, बिग शॉट्स जो हैं अलग अलग पार्टीज़ के, एवरीबडी इज़ इन द फ्रे. तो हमें उम्मीद है कि अच्छा जाएगा इलेक्शन. मैम जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तो ये थे मैडम शीतल नंदा जो अपने डिपार्टमेंट के साथ दिन रात मशक्कत कर रहे हैं कि ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो और लोकतंत्र को ज़मीनी सतह पर और मजबूती मिल सके. मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू.